आज है हमारा बैक डे, हम अपनी बैक को ट्रेन करेंगे। न्यू डे न्यू एक्सरसाइजेस, पुलअप्स हमारी वार्म अप एक्सरसाइज होंगी जिसके हम दो सेट लगाएंगे, 10-15 रेपिटेशंस करेंगे। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट। अच्छे से बैक को वार्म अप करना है। बहुत से लोग स्किप करेंगे इस एक्सरसाइज को, बट अगर आपको अच्छी फिजिक एंड रिजल्ट चाहिए तो पुलअप्स आपको ऐड करने हैं, चाहे दो ही करें, बट मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग इट आउट। यू डोंट हैव टू क्विट, आपको दो तो लगाने ही हैं। तो डंबल रोज जो है वो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए अपनी एल्बोज को अपने क्लोज रखना है टू योर बॉडी, एंड देखो मैं अपने लोअर एब्डोमेन के पास डंबल को लेकर जा रहा हूँ। बैक को फ्लैट रखना है एंड स्पाइन को ट्विस्ट नहीं करना। अगर स्पाइन ट्विस्ट हो रही है दैट मीन्स द वेट इज टू मच और इससे आपकी लोअर बैक पर इंजरी हो सकती है, तो आपको मेक श्योर करना है यू आर नॉट लिफ्टिंग टू हैवी। 12 रेपिटेशंस करने के बाद हम बैक की दूसरी साइड पे जाएंगे और उसको ट्रेन करेंगे। अब जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नीचे जाना है पूरा और ऊपर आते टाइम अच्छे से स्क्वीज करना है, चीटिंग नहीं करनी है बीच में। अगर आपको वाइडर बैक चाहिए तो डंबल रोइंग इज़ व्हाट यू नीड टू ऐड इन योर वर्कआउट। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे 12 रेपिटेशंस। और डंबल का यूज़ करने से ये फ़ायदा तो होता ही है कि ज़्यादा और बड़ा रेंज ऑफ मोशन मिलता है, बट उसके साथ साथ इंटेंस फोकस भी आप कर सकते हैं अपनी बैक की हर साइड पर। तो ये बहुत अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके साथ जो सुपर सेट एक्सरसाइज है वो है डंबल पुलओवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। मैंने 2 डंबल्स का यूज़ करा है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक थोड़ा हैवी एक उससे लाइट। आप एक का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है दैट यू आर नॉट यूजिंग हैवी वेट्स। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी आपको हैवी वेट का यूज़ नहीं करना है। और ये जो एक्सरसाइज है ये बैक का पुलओवर है, तो बैक के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने एल्बोस को थोड़ा सा फ्लेयर आउट करेंगे बाहर को, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। पीछे जाते टाइम पूरा पीछे जाएंगे, बट मेक श्योर यू आर नॉट टचिंग द फ्लोर विद द डंबल। और फिर आप ऊपर आएंगे, आप जब ऊपर आ रहे होंगे आपको वो पेन जो है वो महसूस होएगा आपके लैट्स में। एज यू गाइस कैन सी मैंने दूसरा लाइट वेट उठा लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको ऐड करें, बट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द फील कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसिटी। इस एक्सरसाइज को करने में बिगिनिंग में हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि ये लैट्स के मसल्स को तेज़ी से एक्टिवेट कर देगा, और सेकंड फ़ायदा ये है कि ये आपके मसल माइंड कनेक्शन को भी एक्टिवेट करेगा। इसके बाद आपने 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट करना है और मेक श्योर आप पानी पी रहे हैं बीच में, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग पुल डाउन। ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी न्यू हो सकती है और इसके भी हम 3 सेट्स 12 रेपिटेशन लगाएंगे, बट ये सुपर सेट है, कंटिन्यूएशन एक्सरसाइज अभी आपको दिखाई देगी। नॉर्मल पुल डाउन की जगह पैर पैड पोस्ट पर रखना है एंड देन पुल करना है बार को टूवर्ड्स योर लोअर या मिड चेस्ट। इस एक्सरसाइज में हम सीटेड केबल रोज एंड सीटेड पुल डाउन को कंबाइन करके लगा रहे हैं। जैसा मैं बोलता हूँ एंड बोलता आ रहा हूँ, मसल ग्रोथ के लिए यू हैव टू ट्रेन योर मसल्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल, और वही हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रिप कैसे करी हुई है, उसी तरीके से आपने भी ग्रिप करनी है। बिल्कुल बाहर से नहीं पकड़ना वरना प्रॉब्लम होगी। और अब हम सुपर सेट अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो जो इसके साथ सुपर सेट एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग लैट पुश डाउन। इसके हम 3 सेट्स और 12 रेपिटेशन लगाएंगे। सब कुछ कंटिन्यूएशन में हो रहा है क्योंकि सुपर सेट एक्सरसाइज है, प्लान सुपर सेट एक्सरसाइज पे बेस्ड है। कई लोग इसको स्ट्रेट बार से भी लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं, बट मैं रोप से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रोप से एक बेटर रेंज ऑफ मोशन मिलता है। इसके अंदर आपकी लैट्स इन्वॉल्व हैं, मेजरली लैट्स इन्वॉल्व हैं, टेरिस मेजर लैट्स के जस्ट ऊपर वाला मसल वो इन्वॉल्व है, थोड़े से ट्राइसेप एंड एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, बट मेजरली लैट्स इन्वॉल्व हैं। जब ये सुपर सेट खत्म हो जाएगा इसके बाद आप 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रेयर पुल डाउन। 3 सेट 12 रेपिटेशन, सुपर सेट है ये भी, कंटिन्यूएशन में भी आपको दिखाई देगा सुपर सेट एक्सरसाइज, मोस्ट इग्नोर्ड एक्सरसाइज एट द जिम। बट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यू हैव टू ट्रेन योर मसल्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, तभी रिजल्ट्स आएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर ग्रो करना है। और इस एक्सरसाइज का जो इफेक्ट है वो आपको पड़ेगा आपके लैट्स पर। जैसे ही आपका सेट खत्म होगा, रेपिटेशन खत्म होंगे, प्लीज़ प्लेस द वेट्स जेंटली। सो जो सुपर सेट एक्सरसाइज है इसके साथ वो है हाइपर एक्सटेंशन। ये हमारा लास्ट सुपर सेट एक्सरसाइज है, इनको बैक एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन प्लीज़ डोंट ऐड एनी वेट। इस एक्सरसाइज में आपकी लोअर बैक मसल्स ट्रेन होते हैं, स्पेसिफिकली इरेक्टर स्पाइन है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन एक्सटेंड होती है। बैक पेन है अगर आपको,
तो ये बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हम इसके 3 सेट्स करेंगे, 12 रेपिटेशंस। अगर आपको अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी वो आपकी प्रायोरिटी है, तो ये एक्सरसाइज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। वेरी हेल्पफुल इन यू नो स्ट्रेंथनिंग योर कोर मसल्स। और आप इसको ज़रूर एंड में अपने वर्कआउट में ऐड करें फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड अ स्ट्रॉन्गर बैक। मेक श्योर आप ये वेट जो है, ये वेट उठाकर आप वापस रख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द वेट्स। पानी पिए, पानी पीने के बाद अपना पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक पिएं, और मिलेंगे एक और वर्कआउट में बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट। सी या।